Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखा कारोबारियों का दिवाली में दिवाला निकलने वाला है। फारुख नगर पटाखा कारोबारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो राष्ट्रपति तक जाएंगे, क्योंकि इस बार का जो स्टॉक है वो करोड़ों का है और अगर ये नहीं बिका तो दिवाली मनाना तो दूर की बात, आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। कारोबारी आगे कहते हैं कि उनके कर्मचारी भी बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे में उधारी का पैसा भी नहीं निकल पाएगा। पटाखा बनाने वाले कर्मचारियों ने बताया कि हम 7,000 रुपया महीना कमाते हैं, अगर वो भी बंद हो जाएगा तो उनके लिए आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। पटाखा कारोबारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ कर रख दी हैं। ये स्टोव लग रहा है, तो स्टोव ये लाया हूँ मैं कल परसों, अब ये नहीं बिकेगा तो कैसे होगा? कितने रुपए का नुकसान लगभग लग रहा है? मेरा कम से कम नुकसान है 2 करोड़ रुपए का। जी, तो अब ये जो आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे? जी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला देखो, सुप्रीम कोर्ट का हुआ था पहले जी, तो उसके बाद डेट लगी थी जी, तो डेट हमारे इसमें आ गया था जी, तो तब खुशी हुई थी, बाकी अब इतना वो है कि अब दुख हो रहा है बड़ा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।